नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है। मानेवर मोहे, इनका एक नया एड आया है जिसमें आलिया भट्ट नजर आ रही हैं। इस एड को लेकर जमकर बवाल हो गया है। लोग मानेवर मोहे पर हिंदू संस्कृति के अपमान के आरोप लगा रहे हैं। आलिया भट्ट और उनके परिवार को लेकर भद्दी बातें लिख रहे हैं। इस एड में क्या है, चलिए बताते हैं आपको। एड में आलिया भट्ट एक दुल्हन बनी हुई है। वो बता रहे हैं कि कैसे एक बेटी ना पराई होती है और ना ही धन, जिसे किसी को दान कर दिया जाए। वो कहती है, दादी बचपन से कहती है, जब तू अपने घर चली जाएगी तुझे बहुत याद करूंगी। ये घर मेरा नहीं, पापा की बिगड़ैल हूँ, मुँह से बात निकली नहीं और डन। सब कहते थे पराया धन है, इतना मत बिगाड़ो, उन्होंने सुना नहीं। पर ये भी नहीं कहा कि मैं पराई हूँ और ना धन। माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और। पर चिड़िया का तो पूरा आसमान होता है। अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना, मैं कोई दान करने की चीज हूँ? क्यों सिर्फ कन्यादान? इसके बाद दिखाया जाता है कि दूल्हे के माता पिता भी उसका हाथ वैसे ही पकड़कर आलिया के हाथ में देते हैं, जैसे कन्यादान के वक्त लड़की के माता पिता करते हैं। आखिर में आलिया कहती हैं, नया आइडिया, कन्या मान। ये विज्ञापन सवाल कर रहा है उस पैट्रियार्कियल व्यवस्था पर, जिसमें मायके में एक लड़की हमेशा पराए घर की होती है और ससुराल में पराए घर से आई लड़की। ये विज्ञापन सवाल कर रहा है कि कन्या क्या कोई चीज है जिसका दान कर दिया जाए? क्या किसी एक व्यक्ति पर इतना अधिकार हो सकता है कि उसका दान कर सके? ऐसी कई लड़कियां हैं जो नहीं चाहती कि उनकी शादी में कन्या दान की रस्म हो, क्योंकि ये उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करता है, किसी ऐसी चीज में रिड्यूस कर देता है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान कर सकता है। साथ ही ये रस्म उस व्यक्ति पर जोर देता है, उस विचार पर जोर देता है कि शादी के बाद एक लड़की की हर जिम्मेदारी उसके ससुराल के प्रति होती है, अपने माता पिता और परिवार के प्रति नहीं। ये पूरी बात इस विज्ञापन में बेहद अच्छे तरीके से कही गई है। कई लोगों ने इस एड की सराहना की है तो कई लोगों ने खूब गालियां भी दी हैं। आपको कैसा लगा ये एड? आपका क्या विचार है? आपकी क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताएं।